A very warm good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today we will continue the HPGK one liner question series. So let's begin the next part. And the first question of the part is Vaspa kis nadi ki sahayak nadi hai? To ye Satluj ki sahayak nadi hai. Shimla samjhota jo Bharat aur Pakistan ke beech hua tha wo kis varsh hua tha? To Shimla samjhota jo tha ye aapke 1972 mein hua tha. Durand Cup kis maidan par shuru hua tha? तो जो डूरंट कप शुरू हुआ था ये आपका जो शिमला में अन्नाडेल मैदान है वहाँ से शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है आपके धर्मशाला में है। बिलासपुर के किस राजा ने हिंदूर सीमा पर एक किले का निर्माण किया था? तो इनका नाम था कल्याणचंद। SCERT राज्य परिषद शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कहाँ पर स्थित है? तो ये सोलन जिला में है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम कहाँ पर है? ये भी आपके शिमला ज़िला में ही है। हिंदू रियासत की स्थापना बिलासपुर के किस राजा ने की थी? तो हिंदू रियासत की स्थापना जो थी वो अजय चंद ने की थी। और कमेंट करेंगे हिंदू का नया नाम क्या है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1972 में। हिमाचल प्रदेश में कौन सी जाति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राजपूत जाति। शिमला ज़िले में पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मशोबरा में है। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1996 से 97 के बीच। कुफरी शब्द किस फसल के साथ जुड़ा हुआ है? तो कुफरी जो है वो आलू के साथ जुड़ा है। बछरेडू फतेहपुर और नौरगढ़ किले हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो ये बिलासपुर जिले में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? तो स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट के द्वारा। खुशी के अवसर पर गद्दी लोग से पूजा के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं जिसका क्या नाम है? उसका नाम है नवाला। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो नियत शिमला में। बयांगी छम्बू और देसर किसकी किस्में हैं? तो बयांगी छम्बू और देसर जो है ये उनकी किस्में हैं। बांस का उद्योग किस जिले में स्थित है? तो बांस का उद्योग जो है वो कांगड़ा ज़िले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में जुलाई 1963 को किस व्यक्ति ने नेतृत्व से में सरकार का गठन हुआ था? तो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नेतृत्व में। टिम्बर ट्रेल क्या है? तो ये है रोपवे। किस रियासत के राजा ने सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण करवाया था? तो हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत का निर्माण चंबा रियासत में करवाया गया था। बयांगी चंबू और देसर किसकी किस्में हैं? रिपीटेड क्वेश्चन, तो बयांगी चंबू और देसर उनकी किस्में हैं। कौन सी नदी चंबा को दो भागों में बांटती है? रावी नदी चंबा को दो भागों में बांटती है। किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को 3 प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया? तो ये बांटा गया था 1968 ईस्वी में। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर महिला पॉलिटेक्निकल संस्थान है? तो महिला पॉलिटेक्निकल जो है कंडाघाट में है। रुक्मणी कुंड कहाँ पर स्थित है? तो ये बिलासपुर में है। ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो ऊना जिले का सबसे बड़ा गांव जो है आपका तेहला गांव है। बिलासपुर का कौन सा राजा नादिर शाह द्वारा बंदी बनाया गया था? तो देवी चंद जो है उसको नादिर शाह ने बंदी बनाया था जो बिलासपुर का था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में 50% से अधिक व्यय किया गया था? तो सड़क निर्माण पर। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? चंबा ज़िला में। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुआ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर सबसे पहले आधुनिक फल संवर्धन संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये जो है वो परमाणु में, जो परमाणु है आपका ये जिला सोलन में पड़ता है। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी दीपक ठाकुर का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो ये बिलोंग करते हैं आपके ऊना ज़िले से। ट्रैवल इन द हिमालय प्रोविंस ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो विलियम मूर क्राफ्ट इसके लेखक हैं। हिमालयन पिलग्रिम्स के लेखक कौन है? तो हिमालय पिलग्रिमेज जो थी ये VN दत्तार ने लिखी थी। तौरी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये कांगड़ा और चंबा को। इसकी दर्रे की जो ऊंचाई है वो 4360 मीटर है। किस मंदिर का कारदार ठाकुर और पुजारी लांबा होता है? तो जो त्रिलोकनाथ मंदिर लाहौल स्पीति में है उसका कारदार ठाकुर और पुजारी होता है। हाई या सीनियर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके धर्मशाला जिला कांगड़ा में। पोंग झील बनने से कौन सा स्थान डूब गया था? तो ये डूबा था आपका देरा गोपीपुर।
कुंट एवं शुष्क फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके केलांग, लाहौल स्पीति में। अल्पाइन और नॉर्डिक किस साहसिक खेल के प्रकार हैं? तो ये जो है वो स्कीइंग खेल से संबंधित है। त्रिगर्त रियासत कितने राज्यों का समूह है? ये 6 राज्यों का समूह है। कौरव शक्ति जलमणि जानकी ब्रह्मपुत्र इंडिकी कंदोप्रथा नामक राज्यों का समूह है। किसकी याद में शिमला में विजय सुरंग विक्ट्री टनल का निर्माण किया गया था? तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की विजय की याद में विक्ट्री टनल बना था। हिमाचल प्रदेश से संबंधित नाटक धर्मचंद के लेखक कौन है? तो ये है माणिकचंद या माणिकचंद भी ने कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में बुनकरों की सुरक्षा के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना। हिमाचल प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पुराने हिमाचल में आता है? तो 48.4%। किस देवी के आगमन से कुल्लू का दशहरा प्रारंभ होता है? तो ये होता है हिडिम्बा देवी के आगमन से। महमूद गजनवी के द्वारा कांगड़ा का किला जो नगरकोट का किला है किस वर्ष हथियाया गया और लूटा गया? तो 1009 ईस्वी में। हिमाचल लोक संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल लोक संस्कृति संस्थान जो है आपके जिला मंडी में है। श्रीखंड महादेव और इंद्रकीला चोटियाँ किस जिले में स्थित हैं? तो ये चोटियाँ हैं आपकी कुल्लू ज़िला में। सो गाइस, ये थे आपका आज का पार्ट और आई होप आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। और ये आपके एक फटाफट रिवीजन क्लासेस हैं जिसमें कि आप जो आपने पढ़ा हुआ है उसको आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं कि हमें कितना याद है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।